बात समझ में आ गई ना? देखिए बेटा, हमें से याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, इसको सीक्रेट रात को टेस्टिस में होता है। टेस्टिस का आदमी से पढ़ाऊंगा, फाड़ के पढ़ाऊंगा उसको, एनाटॉमी का पूरा खत्म करूंगा, ठीक है? इस पर की एनाटॉमी नहीं खत्म करूंगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। फीमेल का पूरा प्लस वाला पार्ट निकालना, मतलब बहुत ज्यादा स्टडी आपको करवाना है, थोड़ा सी देख रहे हैं आइए थोड़ा सा बस 5 मिनट से 2 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं। मेरे भाई हमेशा याद रखना कि डोपामाइन से बच करते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं ना, ये सब केमिकल होता है। वैसे एक बॉडी में हमारे जो जितना भी मैंने बताया दिस इज द मशीन, अगर बॉडी एक मशीन है, मशीन की तरह ट्रीट करो, जो भी बीमार हो तो एक कुछ बीमार हो बचा कर, ये भी ध्यान रखना। और हमेशा याद रखना कि बॉडी के अंदर खिलवाड़ चल रहा होता है, काम से और नाम से ऊपर, ये भी खिलवाड़ होता है, इसका एक और खिलवाड़ होता है केमिकल का, हार्मोनल खिलवाड़ होता है। अरे अगर आप अपने हार्मोन को नहीं कंट्रोल कर सकते तो क्यों आए दुनिया में, ये समझना। कंट्रोल करो अपने आप को यार, अगर ये सीक्रेट हो रहा है, बार बार कह रहा है वो बहुत अच्छी लग रही है, ये वाला सीक्रेट हो रहा है बहुत अच्छी लग रही है, तो इसको सब सुनाओ कि बेटे तू कंट्रोल हो जा, मुझे नहीं अच्छी लग रही, अब फिर भी अगर मुझे अच्छी लग, मुझे देखना है बार, तो अपने आपको मुझे नहीं देखना, ठीक है? अगर अपने आप ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो आपको कुछ नहीं देखते दुनिया, सही करो खराब कर डालो। ये टेस्टिस वाला सीक्रेट होता है तो प्लीज इसको भी सीक्रेट ना समझिए, इमोशनल फुल लाइफ के बारे में आपने पढ़ा था, इससे भी बच के रहिए। मैसे करो इसके अलावा हजार हजार हार्मोन हमारे बॉडी पड़े, इन हार्मोनों का अगर खिलवाड़ आपके समझ में आ गया ना, तो आप इनको खिलवाड़ समझ लीजिएगा। दूसरी बात, इन हार्मोन के अंदर इनमें पकड़ आप हासिल कीजिए, और ये सब हार्मोन से और सारी ग्लैंडों से और सारे सारे जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के ऑर्गन्स हैं, इनके साथ अगर आप कंट्रोल सिस्टम हो गया ना, बहुत डिफिकल्ट है वास्तव में, हमेशा रखना इनके ऊपर कंट्रोल हासिल जल्दी ना कर पाओगे, लेकिन सही करा के एक बार अगर हासिल कर लिए ना, तो जिंदगी में जो तुम चाहोगे, जो मुकाम चाहोगे, वो मुकाम आप तुम पार पा जाओगे, समझ रहा? क्राइम नहीं करोगे, प्यार नहीं करोगे, सरवाइव हो जाएगा, कर लेना टाइम टाइम अच्छा कर लेना, तो आप मेन अपने काम फोकस करो, फिर चीज आप सेफ हो जाएंगी। बात समझ आई नहीं आई? तो ये सारी सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पे शो ऑफ होती है, यानी डाउट यहाँ पर किसी को, चलिए देख लेते हैं भाई। देखिए हम हमेशा बताते रहते हैं, आज बता देते हैं, देखिए फर्टिलाइजेशन FERTILIZATION फर्टिलाइजेशन हमने बताया, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप, थ्री टाइप फर्टिलाइजेशन, कितने टाइप होता है, तीन टाइप का होता है, कितने टाइप होता है भाई, तीन टाइप, इसको कहते हैं पोस्ट POS, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, और एक था आदमी मुझे याद नहीं आ रहा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्री फर्टिलाइजेशन और एक फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप, ठीक है, तीन टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। इन फर्टिलाइजेशन के अंदर कई चीजों का अलग अलग कई चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बहुत जरूरी है। पोस्ट POST पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन लिख डाल,